नमस्कार, नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी और खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार रविवार को गोपालगंज जाएंगे। इस दौरान सीएम बाढ़ निरोधक कार्यों का निरीक्षण करेंगे। उनके इस दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जोरदार तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री के बैकुंठपुर प्रखंड के 70 घाट तथा पकहा में आगमन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वे इस दौरान बीते वर्ष बाढ़ में बैकुंठपुर प्रखंड के पकहा में टूटे जमींदारी बांध की मरम्मत का कार्य का जायजा लेंगे। सीएम के आगमन को देखते हुए हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक पर्याप्त संख्या में पुलिस के अधिकारियों व जवानों को तैनाती की गई है। इसके लिए 1000 से अधिक जवानों के अलावा दर्जनों पदाधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे रविवार को कटिहार और पूर्णिया में स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि इन जिलों में 49 करोड़ रुपए की लागत वाले कई स्वास्थ्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इस दौरान कटिहार में मात्र शिशु का सदर अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र भवन का भी शिलान्यास किया जाएगा। मोतिहारी में पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड के बाद से राजनीति गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने मृतक पवन गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की और परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन देते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार थक चुकी है। 16 मार्च को पवन गुप्ता की हत्या की गई थी, लेकिन अब तक मामले में न्याय नहीं मिला। पप्पू यादव ने आगे कहा कि वे इस मामले को लेकर सीएम नीतीश के सामने जाएंगे और उनसे ये अपील करेंगे कि जल्द से जल्द मृतक के परिजनों को न्याय मिले। भैया तो साफ नहीं हुआ, मेरे साथ 52 में जोर से। आपको बता दें कि घटना 16 मार्च की है, जहां पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद काफी ज्यादा हंगामा किया गया था। वहां पर आक्रोशित लोगों ने नीतीश सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई है इस घटना के बाद। चूंकि पंचायत चुनाव है, इसको लेकर खून खराबा बिहार में शुरू हो गया। इसी के तहत पैक्स अध्यक्ष के हत्या का आरोप वहां के तत्काल मुखिया पर लगाया गया। हालांकि मुखिया की गिरफ्तारी तुरंत कर दी गई, उसके बाद एसपी ने भी कार्य का जायजा लिया। शिवहर जिले के मध्य विद्यालय तरियानी में एक छात्र कोरोना संक्रमित पाया गया, जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया है। दरअसल स्कूल में कोविड जांच के लिए कैंप लगाया गया था, इसी दौरान एक बच्चा पॉजिटिव पाया गया। इस स्कूल में 650 बच्चे पढ़ाई करते हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने तत्काल स्कूल को 26 मार्च तक बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के घर वाले और शिक्षकों को कोरोना जाँच का आदेश दिया गया है। ऐसी सूचना दूरभाष पर एचएम के द्वारा दी गई है कि तरियानी प्रखंड के तरियानी छपरा बालक विद्यालय में क्लास 1 का एक बच्चा एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। तो सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालय को 26 तक बंद कर दिया गया है और सैनिटाइजेशन करने के लिए कहा गया है, और बाकी जो बच्चे हैं उनका टेस्ट कराने के लिए और शिक्षक का भी टेस्ट कराने के लिए किया गया है, और बच्चे का जो लिंकअप है उसको ट्रेस आउट करने। मुजफ्फरपुर जिले में बेखौफ अपराधियों ने इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि व्यवसायी अपनी दुकान को बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान अपराधियों हथियार से लैस अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर अपराधियों के धर पकड़ में जुट गई है। 2000 पर गोली मार दिया है। सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए हैं, इलाज के लिए उनको माँ जानती में भेजा गया था, निजी हॉस्पिटल में भेजा गया था, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। अभी स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है, हम लोग हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं। परिजन से बातचीत की है, लेकिन कोई भी बात स्पष्ट रूप से अभी बताया नहीं है, लेकिन हम लोग हर बिंदु पर जाँच। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में लगातार गश्ती की जा रही है पुलिस के द्वारा, लेकिन बावजूद रात्रि में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां पर एक
व्यवसायी की गोली मार दी गई और अभी तक फिलहाल किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। हालांकि मौके से अपराधी सारे फरार हो गए। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। यह कारोबारी इलेक्ट्रॉनिक का दुकान चलाता था और इसकी हत्या पहले से घात लगाए अपराधियों ने कर दी। हालांकि हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और ना ही अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। आपको बता दें कि यह वह जिला है जिसे काफी सेंसिटिव माना जाता है, संवेदनशील माना जाता है अपराधियों के मद्देनजर, और यहाँ पर लगातार पुलिस एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारियों की समीक्षा बैठक की जाती रही है और तमाम थाना प्रभारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने इलाके में यह सब अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए। अगली खबर भी मुजफ्फरपुर की है, जहां पुलिस और एसएसपी की ज्वाइंट कार्रवाई में अलग अलग थाना क्षेत्रों से लूटपाट करने वाले गिरोह के 9 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से बंदूक की गोलियां, 3 देसी कट्टा, 3 चोरी की गई बाइक समेत अन्य आपत्तिजनक सामान जब्त किया गया है। पूछताछ के दौरान अपराधियों ने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वहीं इस मामले में एसएसपी ने बताया कि पुलिस को अपराध पर अंकुश लगाने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया कि यह मुजफ्फरपुर अपराधियों के मामले में काफी संवेदनशील जिला माना जाता है और एसपी जयंत कांत लगातार यहां एक्टिव रहते हैं, तमाम थाना प्रभारियों के साथ बैठक करते रहते हैं, लेकिन और इसी का नतीजा है कि संगठित गिरोह के 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जो जिन पर अलग अलग कांडों में शामिल होने का आरोप लगा है। पिछले कुछ दिनों में साहेबगंज देवरिया के क्षेत्र में मोबाइल छिनतई की और लूट की कुछ घटनाएं हुई। इन घटनाओं के संबंध में सिटी एसपी मुजफ्फरपुर, डीएसपी सरैया, एसएचओ साहेबगंज देवरिया और पारू के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई, जिसने बीती रात एक मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 7 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके पास से 2 देसी कट्टे, 2 राइफल और लूट का अन्य सामान बरामद किया गया। लखीसराय जिले के शेखपुरा मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान चौराहा ग्राम निवासी अप्रवीण कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होने के कारण ट्रैक्टर गड्ढे में जा पलटी, जिससे चालक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ड्राइवर भी हैं और गाड़ी लेकर जा रहे थे, सिस्मा के निकट गाड़ी पलट गई। इनका नाम परवीन है, ये हमारे पंचायत दामोदरपुर के छोटा ग्राम निवासी हैं और कभी अंत्येष्टि के रूप में इसको पंचायत के द्वारा दिया जाए, इनको दिया जाएगा, पीड़ित परिवार को पारिवारिक लाभ भी।